बात यहीं नहीं रुकी, अर्थ भी बदल दिया। वो जो अर्थ बदला है उसने बेड़ा गर्क किया हमारा। हमारी तो पढ़ाई लिखाई चली गई, खत्म हो गई, पर समझ का क्या करें? क्योंकि समण अगर शब्द बोलते हैं तो भारत के 120 करोड़ लोग समण हैं। ये जो अभी आप यहाँ बोल रहे थे ना, एससी एसटी ओबीसी क्रिमिनल ट्राइब्स जनजाति, ये जितने प्रकार के लोग हैं जो वमण नहीं हैं वो सारे समण हैं। ये एससी एसटी ओबीसी दलित बहुजन अर्जक शोषित बैकवर्ड पिछड़े, ये अब के शब्द हैं 1932 के बाद के, और कुछ शब्द तो बड़े नए हैं अभी, बहुजन मूल निवासी अर्जक, ये तो बिल्कुल अभी के हैं। आपसे कोई पूछे आप क्या हो तो क्या बताओगे? अभी की बात कहोगे तो कहोगे ओबीसी हैं। अरे भाई ओबीसी भूल जाओ, ओबीसी तो 1932 के बाद का है, बाबा साहब अम्बेडकर ने ओबीसी शब्द दिया है, उसे भूल जाओ। क्या कहोगे एससी, भाई उसे भी भूल जाओ। शेड्यूल कास्ट है, कास्टों का शेड्यूल है, कास्टों की सूची है। शेड्यूल ट्राइब यानी वो ट्राइब जो जंगलों में रहते हैं, जनजाति। ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड, तो अभी का शब्द है। कोई कहे दलित, बिल्कुल नया शब्द है, पुराने शब्दों में कहीं मिलता नहीं, इसका अर्थ भी नहीं मिलता दलित का। शोषित कहोगे तो सभी लोग शोषित हैं, पूरी दुनिया में सब शोषित हैं। कोई अफसर से शोषित है, कोई बीवी से शोषित है, कोई परिवार से शोषित है, किसी का पैसा खत्म हो गया शोषित है, किसी की जमीन चली गई शोषित है, शोषित तो बहुत हैं, बच्चे शोषित, सब शोषित हैं। अर्जक का मतलब है जो अर्जित करता है, जो कमाता है, जो अर्जन करता है, तो अर्जन भी कुछ करते हैं, कोई गाली अर्जित करता है, कोई ताली अर्जित करता है, अर्जित तो सभी करते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि किसी को गाली मिल रही तो उसने कुछ अर्जन नहीं किया, बदनाम।